रोहित और विराट यहाँ खेल रहे होते तो कितने की पार्टनरशिप होती मिनिमम? देखिए रोहित रोहित विराट अगर यहाँ खेल रहे होते मुल्तान में तो बोलर्स उनके पैरों में गिर गिर के रो रो के माफिया मांग रहे होते, क्योंकि देखो इन्होंने तो मारा ही मारा है, लेकिन वहां पे क्योंकि इमोशनल क्वोशेंट बहुत है इंडिया पाकिस्तान में, ये भी चौका, तो रोहित और विराट इतना मारते जैसे ये हो रही है इनकी पार्टनरशिप 427 की। रोहित और विराट कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई अगर ओपनिंग पे आता विराट भी, वैसे तो ओपन नहीं करता, चार नंबर खेल रहे टेस्ट में, लेट्स से रोहित विराट ओपन कर लेते टेस्ट मैच में, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, 1000 विदाउट लॉस, 1000 विदाउट लॉस, 500 विदाउट लॉस कैन बी मैनेज, इतनी फ्लैट पिच, 1000 चपड़ गंजू बॉलर, 1000 मुल्तान की फ्लैट पिच, बॉलर चपड़ गंजू है ना, कप्तान लल्लू पंजू और बाबर, बाबर का तो कहना ही बाबर लल्लू पंजू, फिर बता रहा हूं मैं आपको, ये जो हाईवे बनाया इन्होंने, ये जो इन्होंने हाईवे बनाया है, क्या बात है इनकी बताओ, ओवरथ्रो में भी रन दे रहे भाई, वैसे कम रन दे रहे थे चौके के, ओवरथ्रो में भी रन दे रहे। देखो आपने मुझसे पूछा अगर विराट और रोहित यहाँ पे खेल रहे होते तो क्या हाल होता, क्या हाल, हाईवे के ऊपर अगर रोहित और विराट आ जाते, अगर रोहित और विराट ओपन कर लेते टेस्ट मैच के ऊपर, 1000 विदाउट लॉस पहली इनिंग, 1000 विदाउट लॉस होता, पार्टनरशिप होती, और पैरों में गिड़गिड़ा के इनके बॉलर्स आंसुओं से रो रहे होते, चपड़ गंजू बॉलर है ना, बॉलर चपड़ गंजू, बाबर लल्लू पंजू, देख लेते आप यही होता, काली पहाड़ी का नेवला वहां पे चीखे मार रहा होता, बिकॉज मुझे ये 100% पता है कि ना इनसे रोहित आउट होने वाला था, ना इनसे विराट आउट होने वाला था, और बॉलर जो है वो अगर उनको चांस भी मिलता तो बाबर कैच छोड़ देता, बाबर कैच छोड़ देता और क्या होता भाई, वही सब कुछ, पब्लिक जूतियां लेके, पब्लिक जूतियां लेके ना ग्राउंड में उतर आती, और सच्ची में पहली बार इतना क्यूट मोमेंट होता कि रोहित और विराट बचा रहे होते बाबर को, छोड़ दो छोड़ दो पब्लिक, नहीं भाई जाना हट जाइए, भाई जाना आप आगे से हट जाइए, आप तो हमारे दिल के अजीज है, भाई जाना हट जाइए, इस नेवले को कुचल के रहेंगे भाई जाना, ये नेवले ने हमने रुसवा करवा दिया, भाई जाना आप हट जाइए, भाई जान आपकी बड़ी इज्जत करते रोहित भाई, आपकी बड़ी इज्जत करते विराट भाई, इसको नहीं छोड़ेंगे नेवले को, आ जा भर जाइए, वो चप्पल पड़ रही है, लाठियां थप्पड़ कोनियां चल रही हैं, गोडे लग रहे हैं चिन के ऊपर, वो फ्लाइट के ड्रॉप के 619 मार रहे हैं लोग, बच्चे आ रहे हैं, वो पीपल जल्बो दे रहे हैं वो भैया वहां पे आपको देख रहे आप हदे पार हो चुकी होंगी, चोक स्लैम पड़ रहे हैं वहां पे, ओहो हो लास्ट राइड F5 सब कुछ हो रहा है, पब्लिक बोलेगी क्रिकेट भाड़ में गया, इनके ज्यादा WWE करेंगे हमारे, WWE करो यहाँ पे, कम ऑन बाबर को पकड़ लो, जो कैरेक्टर तुम्हें पता है उसके स्टाइल में इसको मारो, वन ऑन वन RKO, बच्चे आ रहे हैं जॉन सीना बन के, यू कांट सी मी बाबर, ये ले थप्पड़, एटीट्यूड एडजस्टमेंट वो आ रहा है आपका, RKO दे रहा है, एटीट्यूड एडजस्टमेंट हो रही है ना, चोक स्लैम और अंडरटेकर भाई बहुत मार पड़ी, ये आपका भी जोन है सर, ये आपका, अरे सबसे नंबर पीछे आपका भी जोन है, आज आज शहबाज शरीफ को लेके आना चाहिए, आपका भी जोन है सर, और पूरे पूरे शहबाज शरीफ को लेके आओ इस ग्राउंड में, जैसे ही रूट का 300 हो, इंग्लैंड का 1000 रन हो जाए इस इनिंग में, पूरी पब्लिक पकड़ ले कौम उसको, शहबाज शरीफ को, कि ये आपका विजन है सर, ये आपका विजन है, मान इसको अब, ये तेरा विजन है, तेरा ये विजन है। बर्बाद कराया अर्शन नदी, तो तेरा विजन नहीं था, ये है तेरा विजन, असली विजन, ये तेरा विजन है, और फिर पहले वहां पे सबके सब मिलके कि ये तेरा ही विजन था ना, तूने मरवाया हमें, ये जो इंग्लैंड मार के जा रही है, बांग्लादेश से पहले जा रहे हैं, USA मार रही है, अफगानिस्तान मार रही है, आयरलैंड मार रही है, जिम्बाब्वे ने मारा था, ये तेरा ही विजन है बेटा, ये तेरा विजन है, जहां जहां बर्बाद हो रहे हैं, ब्लर विजन, ब्लर ब्लर विजन, आंखों पे पट्टी, अब सोचो हार्ट ब्रेक किक मिल रही हो भाई, ये देखो सारे मैं आपको बताता रहा हूं, हार्ट ब्रेक किक बताता रहा हूं, रोहित विराट खेलेंगे, वो अकेले जो है, सोचे आप 50,000 बंदा आया इनको मारने, अकेले रोहित विराट बचा रहे हैं, कि छोड़ दीजिए कोई कोई बात नहीं यार, ये क्या नाम है तेरा, बाबर, बाबर ये बाबर यार, छोड़ दो इसको, बहुत खेला यार, ये खेला यार, खेला हमने इसको यार, इसने इसी ने मुझे हिम्मत दी थी कि मैं वर्ल्ड कप जीत सकता हूँ, इतना बुरी तरह हारा था ये, एशिया कप में 300 रन हमने बनाए थे, हार्दिक ने इसको बोल्ड मारा था, छोड़ दो यार हार्दिक, वहां पे चुंगम चबा के पहले तो बाबा, पहले तो रोहित छोड़ो, पहले तो पब्लिक मार यार, मार मार कोई बात नहीं, मार मेरा बच्चा, तू मार यार बच्चा, पीट रहे उसको लोग, कुटाई बहुत होगी, मीट कचरा, विंट विंट सिंगल मैच
मीट कचरा डिडंट विन अ सिंगल टेस्ट मैच एट होम पाकिस्तान क्रिकेट देख रहा है. थैंक यू रोहित भाई, आपने मेरी तारीफ करी. वो मैं जो हूँ वहाँ पे आया था खेलने के लिए. मैं पहली पैदाइशी मनहूस हूँ, पनौती भी हूँ. एक मेरे पास मौका था कि मैं पाकिस्तान की इज्जत में थोड़ी इज्जत अफसाई करता कैच पकड़ के, वो भी मैंने छोड़ दी. लानत है मेरी शक्ल के ऊपर. थैंक यू रोहित भाई कि आपने मेरे कंधे पे हाथ रखा. कम से कम मेरे लाइफ का बहुत बड़ा मोमेंट था ये. डेफिनेटली मैं ये मोमेंट नहीं भूलूंगा. एक और अगर जर्सी साइन कर देते, क्योंकि क्रिकेटर तो मैं रहा नहीं, कम से कम जर्सी बेच के गुजारा कर लूंगा. मैंने वैसे भी ग्राउंड के बाहर चप्पलों का स्टैंड लगा लिया है. डेफिनेटली डेफिनेटली अच्छा करूंगा इसके बाद. मीट कचरा डिडंट विन सिंगल टेस्ट मैच एट होम. थैंक यू गाइस. यहाँ पे देखिए बेन स्टोक्स बैठे हुए हैं. थैंक यू गाइस. बेन स्टोक्स देख रहा है यार, मैं भी खेल रहा हूँ. वैसे ब्रुक रूट से आगे निकलने वाला है. 243 पे पहुंच गया ब्रुक, 260 पे है रूट. ये ले, गुड बॉल. जमाल फिर भी मैं बोल रहा हूँ थोड़ा कमाल तो बाउंसर मार रहा है, ट्राई कर रहा है, चांसेस बना रहा है, जान से बॉल कर रहा है. शाहीन आफरीदी के हाथों में जान ही नहीं बची, उससे उड़ा नहीं जा रही ईगल से. यूं घूम रहा है वो, पहुंच जा. बताओ नसीम शाह को देख लो आप. यार मैं शॉर्ट मिड विकेट, मैंने कम हमने इतना तो नहीं एक्सपेक्ट करा ठाकुर जी को खड़ा पीछे, इतना नहीं एक्सपेक्ट करा था कि ये इतना कतलेआम मचा दे. बहुत ज्यादा. इतना तो हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में किसी ने नहीं किसी को मारा होगा यार. बहुत मारा. ये बेइज्जत कर रहे हैं यार, मान लीजिए बेइज्जत कर रहे हैं. ये वही 954 वाला सीन है, ये थोड़ा बेइज्जत टाइप कर रहे हैं यार. मतलब तरस तो नहीं आ रहा इन पे, वैसे हंसी आ रही है. ले चौक का घुमा भाई, भाई वो छोड़ ही नहीं रहा यार. वो छोड़ेगा वो 247 भाई. मजाक हो रहा है, तो मौका है, अब मजाक हो रहा है. उसको शॉर्ट बॉल दे रहे हो वो पुल मार रहा है, उसको यॉर्कर दे रहे हो उस पे भी मार रहा है, फ्लिक मार रहा है, कवर ड्राइव मार रहा है, स्क्वायर कट मार रहा है. कौन सी शॉट है जिसने आदमी ने मारी नहीं भाई? वो 22-23 तो चौके मार चुका है, रूट से ऊपर निकल रहा है. 100 रन तो उसने बाउंड्रीज में बना दिए हैं. ऑलमोस्ट 250 पे खेल रहा है, 247 पे खेल रहा है, 22-23 चौके हैं. मतलब 80-90 रन तो चौकों में है यार, 90 से ऊपर. ये लास्ट मैंने कब देखा रहा जब दो बैटर 250 पे खेल रहे हैं. पागल कर दिया इन्होंने. 260 पे रूट है, 247 पे ब्रुक है. उसका भी अभी देख, इसी बॉल पे चौका 250 हो जाएगा. कोई पता नहीं, हाँ मार देगा इसी बॉल पे. मार दे, उसका मूड ही मार दे. वो छोड़ ही नहीं रहा, उसको पता है मैं जल्दी बैटिंग करनी है. और प्लान बना के आए, ये तो दिख गया आपको. हर बॉल पे लप्पा घुमाना है, जल्दी जल्दी लीड लेनी है. इन पाखंडी चपड़गंजुओं को फिर बैटिंग देनी है, काम खत्म करेंगे. शलवारों में से कर सकता है, शॉर्ट बॉल डालेगा ये. इसने पीछे फील्डर ले लिया, शॉर्ट बॉल डालेगा ये. पढ़ लीजिए यार सुपर चैट में, तो मैच देखने में मसरूफ हो गया यार अब तो. ये देखो बोला था ना शॉर्ट बॉल डालेगा भाई साहब, क्या बोला था, क्या बोला था मैंने? इतना प्रेडिक्टेबल है भाई, इतना प्रेडिक्टेबल है. हां नैनो में सपना होना चाहिए 250 पे यार, अब होना चाहिए. इन्होंने करा था हमारे साथ वर्ल्ड कप में. शुरू कीजिए. अरे नैनो में सपना, सपनों में सजना, सजना में दिल आ गया, ये सजना पे दिल आ गया. हो नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, ये सजना पे दिल आ गया. शाहीन की कुटाई, नसीब की पिटाई, शाहीन की कुटाई, नसीब की पिटाई, अबरार की रगड़ाई देखी. ओ बाबर फट गया, बाबर लुट गया. ओ नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, ओ सजना पे दिल. एडिट जरूर आ गया, एडिट और चौका भागने वाला भाई. 250 पे फिर चौका भाई साहब, मार मार के धागे एक बार को बता दो. अबे वो थक गया मार मार. अगर वो सही में भाई उसके बक्या पकड़ ले, पहला होएगा, पहली बार आप क्रिकेट में देखोगे आउट वाया बोर्डम. बोर्ड हो गया मार मार, बिकॉज आई वाज टायर्ड ऑफ हिटिंग. पहली बार क्रिकेट में होगा ये, दोनों बोलेंगे भाई हम थक गए मार मार. गया भाई, हम इन चपड़गंजू बॉलर्स को और नहीं मार सकते भाई, हमें आउट करार दिया जाए. रन आउट होने वाला था अभी. अंपायर बोलेगा, इसको लिखेंगे भी ऐसे ही कि आउट बिकॉज प्लेयर वाज टायर्ड ऑफ पेलोइंग अदर टीम. यार 256 और 260 मैंने क्या बोला था अभी कि ब्रुक उससे आगे निकल जाएगा रूट से, तो 256 पे तो पहुंच गया भाई. एक एक ओवर में तीन तीन चौके मार रहे हैं. अच्छा मैंने कम बोल दिया था, मैंने बोला था इस सेशन में 7-8 की रन रेट से मारेंगे, ये तो 12-13 की रन रेट से मार रहे थे. T20 शुरू कर दिया इन्होंने,
पाकिस्तान कह रही है भाईजान हम T20 नहीं खेलने आया था, हम टेस्ट मैच खेलने आया था, थोड़ा तमीज से रहो यार, हमें इतना भी जलील मत करो भाईजान। इफ्तिकार अहमद आ गया, हम टेलेंडर था, तुम क्या हो भाई, बहुत बुरी तरह मार रहे, थक गया मार मार के सही में पहली बार होगा कि लिखा जाएगा, जैसे मैंने बोला ना हिंदी में लिखा जाएगा प्लेयर आउट इसलिए करार दिए जाते हैं बिकॉज प्लेयर मार मार के थक गए, आउट बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ हिटिंग ऑफ पेलोइंग। आई एम सॉरी, मानव शर्मा बोल रहे हैं भाई साहब। लक्ष्य नुजायद खान, इंडिया वुमेन भूत बना देगी ऑस्ट्रेलिया का, वन ऑन वन आ जाओ, अगर ऐसा ना हुआ तो प्रिया नूडल टॉप पहनेगा, अगर हारे तो बस आ जाना उस दिन, भागना नहीं, नूडल टॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो, उस दिन हो जाएगा काम। सुश सर प्लीज आप शोएब सर की बोली में बोलिए बाबर एंड पाक टीम के बारे में, मैं हैरान हूं कि इतनी बेगैरत हमारी टीम हो चुकी है कि मुल्तान जैसे ग्राउंड में जहां मैंने अपने गोड्डों में इंजेक्शन मार के पूरी शिरकत की थी, फिर भी वीरू ने मुझे पेला था, मैं भूला तो नहीं हूं यार वो पिटाइयां, लेकिन आज कलेजा ठंडा हो गया कि मुझसे भी मनहूस बोलिंग मैंने आज देखी है, जो इनकी पिटाइयां हुई है मैं शुक्र गुजार हूं इन चपड़ गंजू बॉलरों का कि ये जो पिटे है, आज मुझे फक्र है कि मैंने अच्छी बॉलिंग करी थी। वीरू ने जब मुझे 300 मारा, ये तो यहां पर 250 रूट 250 ब्रुक, ये तो लंगर बटरा 1000 रन मार देंगे यार। मैं तो पहले भी बोल चुका हूं कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप दी जाए, मैं इस नरक में अब और जहन्नुम में जल नहीं सकता, मुझे बाहर निकालें, कोई भी मुझे पकड़ रहा है बोल रहा है ये तेरी टीम है बे, तू लानती तेरी टीम लानती, तुम सब मिलके पनौती बाबर मनहूस, कब तक मैं ये बातें सुनूंगा यार, हद हो चुकी है, मेरे मुंह पे ड्रॉप किके मार रहे हो, गुद्दी पर थप्पड़ पड़ रहे हैं, कहीं से एल्बो आ रही है, कोई 619 कोई आरकेओ कोई स्पीयर कोई स्टोन कोल्ड स्टनर, कोई तो खुदा का खौफ खाएं आप लोग, इट इज सो एम्बैरेसिंग, कैन यू इमेजिन कि हमारे खुन्ने खोल के रख दिए, हमने भी बॉलिंग कराई है, विराट को नहीं कराई ठीक है, गंगुली को तो कराई है, सचिन को कराई है, द्रविड़ को कराई है, शर्म आनी चाहिए बाबर आजम को, बट आएगी नहीं क्योंकि है तो हमारे खून, है तो हमारे खून, पेशन तो है ही, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ती, खाओ बेटा 700 हो गया जी, 700 फॉर इंग्लैंड, 700 रन फॉर रीजन भाई, 500 की तो पार्टनरशिप होने वाली है यार, रूट स्ट्राइक दिए जा रहा हूं, ये देखिए मैं ये बताऊं पाकिस्तानियों, ग्राउंड में जाओ टिकटे खरीदो, बिकॉज टेस्ट मैच में T20 का मजा कहीं नहीं मिलेगा, यही बहुत मार रहा, मजा आएगा, टिकट्स खरीदो, घर से बाहर निकलो, ग्राउंड में जाओ, 700 रन बन गए, हिस्ट्री विल बी मेड, 1000 रन ये मारने वाले हैं, उसको जाके विटनेस करो, बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, और जुतियां लेके जाना, जुतियां लेके जाना, बाबर निकले कोई रहमो करम मत करना, बस पूरी उसकी सेवा में पेश होना, सेवा में बिल्कुल, 260 हो गए ब्रुक के, 261 हो गए रूट के, बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, प्लीज बीट मिस्ट्री, अगर रोहित शर्मा विराट कोहली ओपन करे तो रोहित 700 विराट 300 होता पक्का, मैं तो बोल रहा हूँ 1000 फॉर नो लॉस, दोनों मारते हैं, दोनों मारते हैं 500 पांडे जी, 1000 फॉर नो लॉस। वैसे ये एक बात बताओ, अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं हो सकता, ये ब्रुक और रूट ये 500 फॉर नो लॉस मिलके मार दिया इन्होंने, 500 की पार्टनरशिप तो कर चुके हैं ना, तो रूट और ब्रुक ने अगर कर ली तो विराट और रोहित तो इनके भी पियो हैं, वो तो डबल हैं इनके, ऐसी फ्लैट ट्रैक दे दो रोहित और विराट को, 1000 फॉर नो लॉस, और रोहित तो 6 पे 6 भी मार रहे टेस्ट मैच में, 6 पे 6 मार रहे टेस्ट मैच में भाई, कोई बड़ी बात नहीं है,